नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी माइनिंग का जो पूल है उसके साथ जुड़कर हम कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करें। मल्टी माइनिंग का एक रिसेंटली प्लान लॉन्च हुआ है जो कि US से बेस है, और इसकी जो बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो हांगकांग में हो रही है। इसका जो माइनिंग हब का जो सेटअप है वो हांगकांग में कर रखा है, और जितने भी ज्वाइनिंग है जो US से बेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी माइनिंग में ज्वाइन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको स्पॉन्सर आईडी चाहिए, तो स्पॉन्सर आईडी आपको अपने अपलाइन की लेनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको कॉपी करके आप अलग ब्राउजर में उसको पेस्ट कीजिए, जिस तरह से ये पेस्ट कर रहा हूँ मैं माइनिंग पूल। ठीक है, तो हम माइनिंग पूल का जो स्पॉन्सर आईडी का जो नेम है इधर माइनिंग पूल है, app.multimining.org/माइनिंग पूल। ठीक है, इस तरह से इस एड्रेस को कॉपी करेंगे हम यहाँ से, और उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे। तो यह मल्टी माइनिंग की एक आईडी है जो कि ओपन कर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरल लिंक चाहिए। तो ये जो रेफरल लिंक जैसे हम पेस्ट करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नीचे आपको देखना है टॉप बॉटम में ज्वाइनिंग नाउ, और ऊपर जो देख रहे हैं वो लिंक है, ज्वाइनिंग का रेफरल लिंक है। इसके साथ जुड़कर आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे हम ज्वाइनिंग नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मल्टी माइनिंग का वो ओपन हो जाएगा। टॉप पे आप देख रहे हैं माइनिंग पूल जो कि एक स्पॉन्सर आईडी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनिंग पूल एक स्पॉन्सर आईडी हो गई, और उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम एंटर करना है। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ राजेश। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम में आप कोई भी नेम चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा MLM किंग। ठीक है, तो आप अपना नाम कोई भी चूज कर सकते हैं, उसके आगे या पीछे माइनिंग टच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है। ईमेल एड्रेस में आपको अपना एक्टिव जीमेल एड्रेस टाइप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको पासवर्ड इसमें डालना है। पासवर्ड डालना है 8 से 10 डिजिट का, और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आई एग्री द टर्म्स एंड पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म करना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म करेंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो लॉगिन है वो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कैसे लॉगिन करते हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो यूज़र आईडी जैसे माइनिंग पूल है वो हमने इस पर टाइप किया माइनिंग पूल, फिर हमने इसमें पासवर्ड डाला, जो भी 8 से 10 डिजिट का जो भी पासवर्ड है वो आपको फिर उसमें डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना जो अकाउंट है वो कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में मैं ज़रा बता रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी पासवर्ड इसमें हम डाल रहे हैं, जैसे लॉगिन हो जाएगा उसके बाद हमको जो अपना अकाउंट है वो कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे रजिस्टर करना है आगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है सक्सेसफुली, और आपको ईमेल मिल चुका है, उसके अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉगिन कीजिए आप। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स है रोबोट का, तो आई एम रोबोट का जो बॉक्स उस पर क्लिक कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन करेंगे आप तो इस तरह का आपको विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा सेंटर एंड माइनिंग हब। उसके बाद अभी राइट टॉप कॉर्नर पे देखना आप हाई माइनिंग पूल करके लिखा हुआ है, जो कि आपका यूजर आईडी है। ठीक है, तो हाई माइनिंग पूल राइट टॉप कॉर्नर पे देखिए, लेफ्ट पे जितने भी जो मेनू है वो देखिए, डैशबोर्ड, माई टीम, वॉलेट, परचेज पैकेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट टॉप कॉर्नर पे आपको फर्स्ट पहला काम यह है, आपको अपना बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो माइन जैसा कि आप रेफरल लिंक देख रहे हैं ऊपर, रेफरल लिंक ये आपका जो रेफरल लिंक है उसको आप किसी और को अपने डाउनलाइन मेंबर्स को देख करके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं आप अपने टीम में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये माइनिंग का जो लाइव है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, रेफरल डिटेल्स जो भी US से बेस्ड ज्वाइनिंग है आप देख सकते हैं, 1 घंटे के अंदर 100 के आसपास ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी भी ज्वाइनिंग है वो आप अपना लाइव देख सकते हैं, लाइव माइनिंग डेज देख सकते हैं राइट साइड में, परचेज हिस्ट्री में कितने का पैकेज आपने परचेज किया, कितने दिन का है, और कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग डेज, लास्ट में जो वॉच चल रही वो। अब राइट टॉप कॉर्नर पे BTC एड्रेस माइनिंग पूल पे क्लिक कीजिए, BTC एड्रेस आप पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको अपना BTC एड्रेस पेस्ट करना है। ठीक है, जिस एड्रेस से आपको आईडी एक्टिवेट करनी है, चाहे आपका बिटकॉइन का एड्रेस जैप पे का हो या ब्लॉकचेन पे हो या यूनोकॉइन का हो, तो वो बिटकॉइन एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे वॉलेट पे क्लिक करना है आपको, फिर वॉलेट पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 100, 500, 1000, जितने से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 500 मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, $500।
ठीक है। उसके बाद पे बाई बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उसके बाद हमें एक एड्रेस दिखाई देगा यहाँ पे जो कंपनी का है। तो जो $500 है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू BTC में इतनी होती है 0.087, जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, इतना BTC। तो इतना BTC आपको भेजना है अगर आपको $500 की आईडी ज्वाइन करनी है, तो जो करंट अमाउंट है इतने BTC की इतने डॉलर होती है, ठीक है। कॉपी कीजिए इस एड्रेस को और आप अपने इस एड्रेस को कॉपी कर करके 0.08 जो अमाउंट है वो ब्लॉकचेन से या जेपे से या यूनिकॉइन से आप इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट सेंड कर दोगे तो इसका जो हिस्ट्री है नीचे उसमें लिख करके आ जाएगा पेंडिंग, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। जैसे ही आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कन्फर्म हो जाएगा ब्लॉकचेन के थ्रू, API के थ्रू, जैसे ही API में वो ट्रांजेक्शन आपका कन्फर्म हो जाएगा, वहाँ से जितने डॉलर आपने यहाँ पे पुटअप किया है वो आपका अमाउंट है। यहाँ पर जो वॉलेट देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में BTC वॉलेट, यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा $500, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कन्फर्म हो जाएगा API के थ्रू, तो आपको आपका जितना भी अमाउंट आपने जो पुटअप किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, जितने अमाउंट से आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे $500 दिखाई देगा अवेलेबल BTC बैलेंस। फिर आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है परचेज पैकेज पे, ठीक है। वॉलेट के नीचे जो परचेज पैकेज देख रहे हैं आप उस पर क्लिक करना है जब वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वॉलेट में आपको फंड डालना है, फिर वॉलेट में देखना है कितना बैलेंस है, फिर उसके बाद परचेज पैकेज पे क्लिक करेंगे। सेंटर में 500 का जो पैकेज है उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद BTC वॉलेट लेफ्ट में, जैसे कि आप देख रहे हैं BTC वॉलेट और इनकम वॉलेट, तो आपके पास BTC वॉलेट में फंड आया है। राइट साइड पर आप देख रहे हैं दो वॉलेट है, एक इनकम वॉलेट है एक BTC वॉलेट है। तो BTC वॉलेट में आपका यहाँ पे अभी 0 शो कर रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 500, ठीक है। तो वैलिडिटी में और कॉइन माइनिंग में लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप ऑप्शन, वैलिडिटी में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर कितने दिन की वैलिडिटी चाहिए आपको, 100 दिन, 180 दिन, 300 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपना पैकेज चूज कर सकते हैं। $500 आप यहाँ पे जो माइनिंग पूल है उसके साथ कितने दिन के लिए जुड़ करके अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 180 दिन सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद कॉइन माइनिंग, आपको इथेरियम की माइनिंग करनी है बिटकॉइन की, वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो BTC सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद एंटर अमाउंट, यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है, ठीक है, और नीचे आपको अपना पासवर्ड करना है। फिर कन्फर्म पैकेज पे क्लिक करना है, आपका जो पैकेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा हैंड टू हैंड। तो इस तरह से आप अपना बिटकॉइन यहाँ पर डिपॉजिट करके आप अपनी ID एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना भी आप, जैसे आप पैकेज को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी परचेज हिस्ट्री में इस तरह से दिखाई देगा, आपका सीरियल नंबर, डेट एंड टाइम, कैटेगरी, हैश पावर रेट, परचेज अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट डेज और जितने दिन आपके बच गए माइनिंग के। तो यह आप लाइव माइनिंग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। परचेज वैल्यू क्या है और कॉइन का नेम क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जितना भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस ये रेफरेंस नंबर है, डेट है और माइनर्स स्पीड है जैसा कि आप देख रखे हैं, और मेगा हर्ट्स में ये कितना आपने यहाँ पर पुटअप किया अमाउंट वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से मिनिमम विड्रा अमाउंट कैसे कर सकते हैं, विड्रा में मिनिमम $10 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे 10 हम एंटर करेंगे तो अभी इसमें 10 पूरा है नहीं, इसलिए निकलेगा ये नहीं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारे मेन्यूज वगैरह सेलेक्ट करके आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हुई होगी, और क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको प्राप्त करने के लिए आप कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।